नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आ गई हूँ अपने साथ आज एक और रिव्यू वीडियो लेके। बट आज का रिव्यू वीडियो जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये एक ब्रश सेट के बारे में है। अब थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि मैं कौन से ब्रश सेट की बात कर रही हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल फेस एंड आई ब्रश सेट के बारे में। तो अभी सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर एक तो ये प्रोडक्ट के रिव्यू करूंगी प्रॉपर, उसके अलावा मैं बताऊंगी कि क्या ये प्रोडक्ट वर्थ है इसकी प्राइस का। एंड एक और चीज है कि जैसे हम लोग कभी भी ब्रश सेट खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आनी चाहिए खरीदने से पहले, ये ना कि क्या मैं ये खरीद लूंगी तो उसके बाद मुझे कोई और ब्रश सेट खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्या ये इस प्राइस में मुझे सारे वर्थ है, क्या इतने ही प्रोडक्ट से मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आगे आपको आंसर करती रहूंगी विद द रिव्यू। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो ब्रश सेट है इसका प्राइस है 799 रुपीज। अमेजोन से मैंने परचेज किया था, आई डोंट नो नायका मिश्रा कुछ ज्यादा इसका प्राइस है, बट मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। बट मैंने स्पेसिफिकली अमेजोन से इसको परचेज किया है, तो मुझे कुछ तो ऑफ में पड़ा था 649 समथिंग का, बट इसका एमआरपी 799। बट आपको हमेशा कुछ कुछ ऑफ में तो ये ब्रश मिल ही जाएगा, आप चेक करते रहो, इस पे ऑफर आता है, लाइटनिंग डील्स काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये बता देते, पैकेजिंग इज क्वाइट गुड, अच्छी बात है। मतलब आउटर पैकेजिंग का क्या है, ऑल दो इट्स वेरी अट्रैक्टिव, बट यस आउटर पैकेजिंग का हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो अब मैं इंटरनली बात करती हूँ कि इसमें हमको 6 ब्रशेस मिलते हैं, जिसमें से जो 4 ब्रशेस हैं वो स्पेसिफिकली आई के लिए हैं और ये 2 ब्रशेस हैं वो हमारे फेस के लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ये ब्रश के बारे में। ओके, इट्स फ्लैट काकूबी ब्रश, बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा, मतलब सीरियसली मेरे पास बहुत सारे मेकअप ब्रशेस हैं बट ये जितना सॉफ्ट है उतने सॉफ्ट मेरे पास फाउंडेशन ब्रश अभी तक नहीं था, क्योंकि मेरे पास और भी सारे ब्रांड्स के कफ एंड लैशेस के भी ब्रशेस हैं, कुछ मॉर्फी के भी ब्रशेस हैं, मतलब वो अच्छे हैं, दे आर हाई एंड ब्रशेस, बट ये अपने प्राइस के हिसाब से इट्स वेरी नाइस, बहुत स्मूथ है। देखो, एक चीज बात ध्यान रखने वाली है जो कि ये है कि हमें फाउंडेशन ब्रश जो हम यूज करते हैं वो क्रीम फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये ड्राई हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो लिक्विड फाउंडेशन है ना वो ब्लेंडर के साथ, जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं उसके साथ ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर हम डैम्प करके उसको अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है कि लिक्विड फाउंडेशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन हम क्रीम फाउंडेशन की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से मिक्स करता है क्रीम फाउंडेशन को। You can also mix, like you can also use this to mix your concealer. वो भी एक अच्छे से काम करता है कंसीलर फाउंडेशन दोनों के लिए। Although मैं इसको कभी कभी लिक्विड फाउंडेशन के साथ भी यूज करती हूँ, बट क्या होता है कि ड्राई होने की वजह से ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने की वजह से ये थोड़ा सा आपको दोबारा अप्लाई रीअप्लाई करना पड़ सकता है प्रोडक्ट को, तो इसलिए ये इन जनरल टिप है कि आप कभी भी अगर मतलब अगर फ्लैट ब्रश या ऐसा कोई ब्रश परचेज करते हो फाउंडेशन के लिए तो एक ब्लेंडर भी जरूर से ध्यान से ले लेना, क्योंकि वो आपके लिक्विड फाउंडेशन के साथ जाता है। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ब्रश। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट वन ब्रश जो है ये है कॉम्पैक्ट ब्रश, ये इन्वर्टेड डोम है कुछ तो भी, तो ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सबसे अच्छी बात जो इस सारे ब्रशेस में है, बहुत बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, ये आपके किस किस काम आएगा, आप आराम से इसे कॉम्पैक्ट वगैरह जो है वो लगा सकते हो, इवन यू कैन अप्लाई यूज इट टू अप्लाई ब्लश। ठीक है, कॉन्टोर भी कर सकते हो अगर आप ऐसे चाहो, एंड हाईलाइट भी कर सकते हो, मतलब ये एक ब्रश क्योंकि इसका ये ऐसा शेप है तो आप इस तरीके से कॉन्टोरिंग पाउडर कॉन्टोर भी यूज कर सकते हो और ब्रश भी हाईलाइट भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत प्रिसाइज होगा बट यू कैन डू इट विथ दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट के लिए और लूज पाउडर के लिए तो बहुत लाजवाब ब्रश है। इवन अगर आपका कुछ ऐसा है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना बाद में हम लोग ऐड करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छे से ये काम करेगा। तो मैं पर्सनली इन दोनों ब्रशेस से तो बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड द रेस्ट 4 ऑफ ब्रशेस। हम इन 4 ब्रशेस की बात करते हैं तो आप अगर देख पा रहे होगे कि एक तो फ्लैट ब्रश है ये वाला, दूसरा इज मतलब छोटा है, प्रिसाइज आई को आई शेडो को मिक्स करने के काम आएगा, छोटा सा डोम शेप का है ये, और ये जो है वो थोड़ा सा डेंस है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डेंस है।
तो ये दो मेन ब्रशेज इन्होंने दिए हैं आई के लिए. उसके अलावा ये तो आपको पता है कि यू नो यू कैन अप्लाई आईब्रो पाउडर टू दिस इसकी हेल्प से. तो इसका भी ऐसे कोई बहुत यूज नहीं होता है. कई बार काजल की लाइनिंग करने के लिए इंक्लाइन ब्रश काम में आता है. उसके अलावा ये जो स्पूली है इससे आप अपना ये कोम कर सकते हो. तो मतलब दो ब्रश काइंड ऑफ दे दिए इन्होंने साथ में. ऑल दो और अपने पास मतलब मुझे इतना ज्यादा ये यूजफुल नहीं लगता है. ऑल दो इट इज एसेंशियल बट नॉट दैट मच यूजफुल. तो ठीक है चलो. एंड द फोर्थ ब्रश इज फ्लैट ब्रश. ये मेन कट क्रीजिंग के लिए हेल्प करता है हमको. और उसके अलावा अगर आपको कंसीलर अप्लाई करना है स्पेसिफिकली ऑन द आई एरिया यहाँ पे जो डार्कनेस है उसको बाद में अगर आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है तो उस सब के लिए आप ये ब्रश यूज कर सकते हो. तो ये ब्रश तो मतलब एसेंशियल है ही. ये ब्रश तो हमें चाहिए ही चाहिए ठीक है. बट वही है कि ये चार ब्रश दिए हैं. अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन चार से आई मेकअप होगा तो मैं कहूंगी कि नॉट एग्जैक्टली ठीक है. ओके जैसे मैं ये मेरे पास ब्रश है तो हमें थोड़ा सा बिगर मतलब साइज का ब्रश चाहिए होता है टू मिक्स दट. ये जो हम आउटर में एक्सटर्नल फिलिंग करते हैं उसके बाद हम डार्कर आई शेडो अंदर लगाते हैं तो उसके लिए ऐसा और इससे कम डेंस होता है ऐसा टाइप का ब्रश होना जरूरी है क्योंकि उतना प्रिसाइज पर आई शेडो लगता नहीं है. बट इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बस ये दो ब्रशेस दिए हैं जो कि जरूरी है बट इसके अलावा वो भी जरूरी है. तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इसके जगह उन्होंने वो दे दिया होता या वो दो ब्रशेस या ऐड कर दिया होता एक भी ब्रश ऐड कर दिया होता ना तो मतलब ऐसा होता कि यार हाँ ये ब्रश सेट कंप्लीट है मतलब ऐसा पूरा है. तो वो मुझे थोड़ा सा लगा बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई कह दो कि इसके वजह से ये प्रोडक्ट ब्रश सेट खराब हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये अपनी प्राइस के हिसाब से तो टोटली वर्थ है. 700 रुपीज में आपको इतना अच्छा ब्रश सेट विद दैट मच ऑफ क्वालिटी मिलता है ये एक अच्छी बात है ठीक है. तो मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूं बट हाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है एडिशन हो जाता तो ज्यादा बेटर होता. बट इन टोटल इट इज वेरी फाइन बहुत अच्छा है. टोटल ये एक वर्थ ब्रश सेट है आप ले सकते हो. एंड सही बताऊं मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट तो ये फाउंडेशन ब्रश है. ये बहुत ही अच्छा है. तो मैं बस इतना ही बोलूंगी एंड में कि अगर आप बिगनर हो इवन आप इंटरमीडिएट भी हो मेकअप में तो आप ये ब्रश सेट ले सकते हो. हाँ थोड़े मोटे छोटे एक दो ब्रश सेट्स हैं तो एक दो चीजें हैं जो आप और परचेज कर सकते हो जो कि आपके पूरे किट को मतलब कंप्लीट कर देगा. मैं आपको उन सबके लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में. मतलब मेरे पास कुछ और ब्रश सेट भी हैं जो कि मतलब मेरे पास है और मुझे लगता है कि ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो काम बन सकता है. तो वो आप जरूर से देख लेना और आप परचेज भी कर सकते हो. बट दिस इज अ बिग यस फ्रॉम माय साइड. एंड इस नोट पे मैं अपना वीडियो खत्म करना चाहूंगी. एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि नहीं और कुछ सजेशंस दो. अगर आप और कोई ब्रश सेट चाहते हो मैं ट्राई करूं या कुछ और प्रोडक्ट ट्राई करूं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस अगर आपको मेरा सच में वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर लेना. मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना करो. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ. बाय बाय.